जिस संसार में हम लोग मर रहे हैं ना, अपना अमूल्य जीवन खपा रहे हैं, उस संसार की ये हालत है। बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, मां कहने के लिए तैयार नहीं है, भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। पर देखो तो सही हमारे करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी, ये सब सखा सुनाऊं मुनि मेरे, ये सब सखा सुनाऊं मुनि मेरे, हे समर सागर इनको अपना मित्र बता दे। कौन ऐसा होगा जो गीध को भी अपना पिता कहकर रोवे उसके लिए, और अपने हाथ से उनकी पिता के समान और ददह क्रिया करे और श्राद्ध तर्पण करे, ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो शबरी को भी मां कहकर अपनी अंक में भर ले, शबरी का आतिथ्य भी स्वीकार करे? आहा, ऐसा कौन होगा जो केवट को अपना मित्र कह दे? ऐसा कौन होगा जो निषाद राज को ऐसे हृदय से लगावे जैसे भरत जी को भेंटते हैं? इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, अब पद गाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, आप विनय पत्रिका देख लेना, 100वां पद है। इस पद की एक पंक्ति भी जब गाते थे परम श्रद्धे प्रातः स्मरणी पूज्यपाद आचार्य जी गुरु जी, जिनका हम नाम मर्यादा के कारण नहीं लेना चाहते, पर आप लोग समझें इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं, हमारे भारतवर्ष की संत समाज की विभूति, विद्वत जगत की विभूति, परम भागवत परम वैष्णव जिनके प्रति हम गुरुभाव रखते हैं, ऐसे अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज रामायणी जी, इस पंक्ति को गा नहीं पाते, बोल नहीं पाते। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, मोदन मन तन पुलक नयन, श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।